तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शाम को गर्मी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई महीनों से बीमार है, सोचा खबर भी ले आऊँ और बैठ भी आऊँ। मेरे बैठे बैठे उसके तीन देवरानियाँ भी आ गई। अम्मा जी कैसी हैं, शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा किया, वैसा किया, यह किया, वह किया। आधे घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्हें शाम को खाना बनाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा अम्मा जी आज एक साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं, तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे, माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ से हो गई। मैं बोली, बहन जी मेरी सास सात बच्चों की माँ है, अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छे जीवन देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की, सबकी अच्छी तरह परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है, अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ कि इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ कि मेरे बेटा बेटी अपने दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं, उन्हें देखकर वह मुस्कुराती हैं, अपने कमज़ोर हाथों से वह उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर जी भर के दुआएं देती हैं। जब मैं उनको नहलाती, खिलाती, पिलाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और मुझे भी खूब दुआएं देती हैं और कहती हैं, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपनी पलकों पर सजाएं रखें, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। बस उनकी यही दुआ दिल को बड़ा सुकून देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम कर दिया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली रहेगी, यह तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वह सुबक सुबक कर रो पड़ी और मैं इस जमाने में उनकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपने छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उनकी सहन की कि इसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं और तथा अपने आज़ादी और ऐशो अय्याशी के लिए अपने प्यार एवं ममता की मूरत को टुकड़ा देते हैं। जीते जी माँ की सेवा कर लो, मरने के बाद नाटक मत करना। माँ है तो रौनक है, बरकत है। उनकी गलतियाँ निकालने से पहले ये सोचना उसने आपकी कितनी गलतियाँ माफ़ की हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।